मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से, एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर एक्सटेंशन टेक्निक्स एंड कम्युनिकेशन का एक टॉपिक प्रसार शिक्षण के चरण, इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्रसार शिक्षण अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से संपन्न शिक्षण की प्रक्रिया है जो कि मानव व्यवहार पर आधारित है। मानव व्यवहार में अनुभव के द्वारा वांछित परिवर्तन लाकर व्यक्ति को विकास की ओर उन्मुख करना प्रसार शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्रसार शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया सीखने पर आधारित होती है। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन का द्योतक है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की समस्त संवेदन शक्तियाँ या पांचों ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रूप में भाग लेती हैं। अनुसंधान से ये प्रमाणित हो चुका है कि सीखने की प्रक्रिया में समस्त ज्ञानेंद्रियाँ इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। प्रसिद्ध प्रसार शिक्षा शास्त्री ओपी धामा ने इसे एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध प्रसार शास्त्री ओपी धामा के अनुसार स्वाद के द्वारा 1%, स्पर्श के द्वारा 1.5%, घ्राण या सूंघने की शक्ति के द्वारा 3.5%, श्रवण या सुनने की शक्ति के द्वारा 11% और दृष्टि द्वारा 83% ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रूप में भाग लेती हैं। सीखने की क्रिया के द्वारा ग्रहण की गई अनुभूतियों को व्यक्ति अपने अंतर में धारण करता है। ओपी धामा ने सीखने की प्रतिधारण क्षमता को इस प्रकार से समीकरण के द्वारा स्पष्ट किया है। उनके अनुसार एक व्यक्ति पढ़कर 10%, सुनकर 20%, देखकर 30%, देखकर एवं सुनकर एक साथ 50%, परस्पर वार्तालाप के द्वारा 70% और कार्य को संपादित करने के साथ वार्तालाप के द्वारा 90% तक सीखता है। उपर्युक्त समीकरणों के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि सीखने की प्रक्रिया में सभी ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं, किंतु दृष्टि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अर्थात व्यक्ति देख करके सबसे ज़्यादा सीखता है। सीखने वाले की जब 2 या अधिक संवेदी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं तो प्रतिधारण की क्षमता भी अधिक होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कार्य को संपादित करते हुए यदि वार्तालाप किया जाता है तो मनुष्य जो भी सीखता है उसे सर्वाधिक प्रतिधारित करने की क्षमता रखता है। प्रसार कार्यकर्ता को कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रसार शिक्षण का कार्य संपादित करना होता है। इन्हें हम प्रसार शिक्षण के चरण कह सकते हैं। प्रसार शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया इन महत्वपूर्ण चरणों पर आधारित होती है। सबसे पहला चरण है ध्यानाकर्षण या अटेंशन। किसी भी परिणाम या प्रतिफल को देखकर लोगों का ध्यान
उस ओर जाना स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में इसे ध्यानाकर्षण कहा जाता है। लोगों में अभिरुचि और आकांक्षा जगाने की पहली सीढ़ी ध्यानाकर्षण है। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसकी समस्या का कोई ना कोई हल है तो वह उस ओर आकर्षित होता है। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शनी, मेला, पोस्टर, छायाचित्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इनके माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। दूसरा चरण है अभिरुचि या इंटरेस्ट। कोई वस्तु या उपलब्धि जब किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो जाती है तो आगे की क्रिया सहज हो जाती है। अभिरुचि एक प्रतिक्रिया है जो ध्यानाकर्षण के कारण ही होती है। किसी वस्तु या उपलब्धि पर जब ध्यान केंद्रित होता है तो उस परिणाम के प्रति अभिरुचि जागना स्वाभाविक हो जाता है। जब लोगों का ध्यान परिणाम पर आकर्षित हो गया हो तो प्रसार शिक्षक को उसके विषय में थोड़ी जानकारी देना प्रारंभ करना चाहिए। प्रसार शिक्षक को अपनी बात आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि लोगों को ये आभास ना हो कि कोई बात उन पर थोपी जा रही है। नई नई पद्धतियों के द्वारा ऐसा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और ये परिणाम लाभकारी हो सकता है। इस संबंध में जानकारी को आगे से आगे देते रहना चाहिए जिससे लोगों में स्वतः ही रुचि बनी रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है आकांक्षा या डिज़ायर। प्रसार शिक्षक का ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह लोगों में नई नई जानकारियों को प्राप्त करने की जो अभिरुचि उसने जगाई है उसे बनाए रखे, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति व्यक्ति की अभिरुचि जागती है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा भी उसके मन में जागृत होने लगती है। आकांक्षा एक आंतरिक शक्ति है जो सीखने की क्रिया को गति प्रदान करती है। आकांक्षा से प्रभावित व्यक्ति अधिक सक्रियता और उत्साह के साथ किसी भी काम को सीखना चाहता है और वह कम से कम समय और कम मेहनत में किसी भी पद्धति को सीख भी लेता है। अतः प्रसार शिक्षक को ये चेष्टा करनी चाहिए कि वह अभिरुचि को आकांक्षा में परिवर्तित होने के लिए वातावरण बनाए रखे। अगली प्रक्रिया या चरण है विश्वास या कन्विक्शन। आवश्यकता व्यक्ति को सीखने की प्रेरणा देती है। विषय के प्रति आस्था व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है कि वह क्रियाशील होकर के आगे बढ़े और व्यवहार में लाए। इसके लिए लोगों के मन में नई नई पद्धतियों के प्रति विश्वास जगाने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। विभिन्न प्रसार माध्यमों की सहायता से वह लोगों के समक्ष नई पद्धतियों और सूचनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करे कि लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास या आस्था जागने लगे और वे आगे कार्य करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए स्वाभाविक और सहज रूप में तत्पर हो जाए। अगले चरण है जानकारी या नॉलेज। किसी भी विषय के प्रति आस्था व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वो उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करे। इस प्रकार लोगों के मन में जब किसी पद्धति के प्रति विश्वास घर कर लेता है तो वे विषय संबंधित विस्तृत जानकारी को प्राप्त करने के लिए आगे अभिप्रेरित हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका उस समय लोगों को उन पद्धतियों से संबंधित जानकारी देना है जिससे कि वो कार्य संपादन में जुट जाएं, क्योंकि अगला चरण कार्य संपादन है। लोगों को जानना चाहिए कि उन्हें अब क्या करना है और कहां से प्रारंभ करना है।
अगला महत्वपूर्ण चरण है क्रिया या एक्शन। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसका संबंध शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष से है। किसी भी कार्य से संबद्ध शिक्षण तभी सफल माना जाता है जबकि लोग उस कार्य को व्यवहार में लाते हैं। व्यवहारिक शिक्षण की लक्ष्य पूर्ति तभी होती है जबकि बताई गई बातों को लोग क्रिया रूप में या व्यवहार रूप में लाए। प्रसार शिक्षण के माध्यम से प्राप्त पद्धतियों और सूचनाओं का समुदाय जब अनुसरण करता है, उसके अनुरूप कार्य करता है, तो प्रसार शिक्षण सफल माना जाता है। अगला चरण है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। सीखने की क्रिया आवश्यकता से प्रारंभ होती है और कई प्रेरक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर वांछित लक्ष्य को पहुंचती है। व्यक्ति कोई भी कार्य किसी न किसी प्रलोभन या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त ही करता है। अपने वांछित या प्रतिफल से जब वो पूरी तरह परिचित रहता है और उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता या आकांक्षा है, वह भली भांति जानता है, तभी वह वांछित लक्ष्य की प्राप्ति पर संतुष्ट हो पाता है। वांछित लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, उसकी समस्या के निदान, कार्यक्षमता में वृद्धि या इसी तरह की कोई और बात हो सकती है। व्यक्ति की कार्य दक्षता और संसाधनों को ध्यान में रखकर ही किसी काम के निमित्त उन्हें प्रोत्साहित या प्रेरित करना जरूरी होता है। सबसे अंतिम चरण जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसके की द्वारा यह ज्ञात होता है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो कार्य संपादन की त्रुटियों या लाभों या सफलता की जानकारी देता है। कार्य संपादन के क्रम में भी समय समय पर कार्य प्रगति से संबंधित सूचनाएं मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इससे सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को ही लाभ होता है। समय पर दोष निवारण होना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन के द्वारा ही इस बात की जानकारी हो पाती है कि लोगों के व्यवहार में, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में प्रसार शिक्षा के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आए हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य तक किस हद तक पहुंचा है। इस प्रकार इन सभी चरणों को ध्यान में रख करके शिक्षण की योजना बनाते हुए लोगों की बौद्धिक शैक्षिक स्तर, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, प्रसार माध्यमों की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, इन सभी कारकों का ध्यान में रखकर कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।